गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूं शुभंकर, आप देख रहे हैं मेरे साथ लाइफ टेल्स। तो आज है डे टू एट पांडिचेरी। फिलहाल बज रहे हैं सवेरे के 8:30 और हम चेकआउट कर रहे हैं और देखते हैं आज का दिन कैसे जा रहा है। हम जा रहे हैं आज ऑरविल सिटी। तो मौसम भी आज थोड़ा ठीक ठाक है, 80% आज बारिश होने का चांसेस है। तो लेट्स सी हमारे फेवर में जाता है आज का दिन। तो चलो शुरू करते हैं आज का। तो लगेज हमने गाड़ी पर रख लिया है और गाड़ी भी काफ़ी गंदी हो चुकी है क्योंकि दो दिन से हल्की फुल्की बारिश भी आ रही है। तो अभी बज रहे 8:45। फिलहाल हम जाएंगे सेंट बेसिलिका चर्च एंड उसके बाद जाएंगे ऑरविल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का दिन, बस बारिश ना आए। तो फिलहाल हम आ चुके हैं प्रिस्टिन ब्रिज, जो हमारे सेरेनिटी बीच, जो हमारे होटल से जस्ट ऑपोजिट था। मैं इसमें आ चुका था बट तानिया आई नहीं थी, तो मैंने सोचा कि उसको भी एक बार दिखा लाऊं। पौंडी में जितने बीच हैं उनमें से सिर्फ इसी में सर्फिंग सिखाया जाता है। तो काफ़ी फॉरेनर्स इस इलाके में रहते हैं क्योंकि सर्फिंग जो है वो हमारे इंडिया में उतना पॉपुलर है नहीं, तो लोग यहाँ पे आते हैं, यही पास वाले रिजॉर्ट्स पे रहते हैं एंड वो निकल जाते हैं सर्फ करने के लिए। तो अब हम जा रहे हैं, तो पत्थर जैसा कुछ बना हुआ है एक रैंप, तो उस पर चढ़ने ताकि थोड़ा आनंद लिया जाए। बट क्योंकि आज क्लाउडी हो रखा है तो सागर के पास आके भी आपको उतना मज़ा आएगा नहीं, क्योंकि जब तक आप सागर में आओगे और सामने क्लाउड्स ना हो तो देख के मज़ा नहीं आता। तो कुछ ऐसा है नज़ारा यहाँ से, और बारिश आ चुकी है टू आवर बैड लक। तो अभी हमें भागना होगा गाड़ी के तरफ, बट उससे पहले आपको भी दिखा दो और हम भी थोड़े फोटोज खींच लें। तो बारिश काफ़ी ज़ोरों से आ चुकी है, तो मैं अभी भाग रहा हूँ गाड़ी तक क्योंकि गीले हो जाएंगे ना तो पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा। तो फिलहाल चलते हैं। तो गाड़ी हमने यहाँ लगा रखा था और बारिश तेज हो रही है, तो उससे पहले हम अब निकल जाएंगे। तो अभी बीच से जैसे ही निकला गाड़ी का टायर हो गया पंक्चर, तो मैं आ चुका हूँ टायर ठीक ठाक करा के ऑरविल इंटरनेशनल विलेज। तो फिलहाल जा रहे हैं थोड़ा ब्रेकफास्ट और कॉफ़ी पीने एट ब्रेड एंड चॉकलेट, जो मेरे पीछे है। तो ये तमिलनाडु स्टेट पे है, पौंडीचेरी से हम बाहर आ गए। तो अभी जा रहे हैं ब्रेड एंड चॉकलेट एंड फिर ये ऑरविल विलेज है, तो यहाँ पे घूमेंगे एंड इसके इंटरेस्टिंग स्टोरीज जो है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो चलिए ब्रेड एंड चॉकलेट कुछ अच्छा खाया जाए। यहाँ पे जो एम्बियंस है वो काफ़ी, मतलब इन वर्ड्स एक्सप्लेन करना काफ़ी मुश्किल है। यहाँ पे लोग इतने केयर फ्री बैठे हुए हैं एंजॉइंग द लाइफ। और ये रहा हमारा टेबल, हमने ऑर्डर कर दिया है। तो आ चुके हैं हमारी ऑर्डर, दैट इज तानिया का हॉट चॉकलेट, एक बार हटाओ। और ये रहा मेरा फ्रेंच प्रेस कॉफी। तो फिलहाल ब्रेकफास्ट करके हो चुका हूँ और ब्रेकफास्ट करके यहाँ बैठ के हमारा काफ़ी टाइम भी हो चुका, मतलब इफ़ यू आर इन पौंडी आई वुड से यू कैन नॉट मिस ब्रेड्स एंड चॉकलेट बाय एनी चांस। तो तानिया ने बताया कि ब्रेड एंड चॉकलेट जो है यहाँ पे दो है, एक कहाँ पे है तानिया? एक वाइट टाउन पे है एंड दूसरा ऑरविल में है। ऑरविल इज़ द ऑथेंटिक और द ओरिजिनल वन। एंड यहाँ पे ऑरविल आने के बाद, घुसने के बाद आप स्टे ज़रूर करना, यहाँ पे लाइफ बहुत अलग है, इट्स वेरी स्लो। एंड इसके बारे में और डिटेल्स में बताऊंगा भी। वी आर स्टेइंग इन ऑरविल टुडे, यस, इट्स अ सरप्राइज एक्चुअली फॉर यू। या दैट इज व्हाई आई एम वेरी एक्साइटेड टुडे, क्योंकि यहाँ पे जो लाइफ है इट्स वेरी डिफरेंट।
अगर आप यहाँ पे 2-5 मिनट खड़े भी होंगे तो आप देखोगे यहाँ पे पीपल फ्रॉम अक्रॉस ग्लोब आर हियर, और जो यहाँ पे रह रहे हैं एंड दिस फॉरनर दे स्पीक तमिल, देर आर पीपल हु हैव बीन स्टेइंग हियर फॉर मोर देन 30 इयर्स। तो चलो दिखाते हैं। तो हम हमारे ऑरविल स्टे की तरफ जा ही रहे थे, तो ये एक मस्त पैच ऑफ रोड मुझे मिला, दोनों तरफ घने पेड़ है, बनायन ट्रीज है, और इस जगह का नाम ऑरविल बनायन गार्डन के हिसाब से है। तो मैंने सोचा कि एक बार रुक जाते हैं और आपको भी इस जगह से थोड़ा वाकिफ कराते हैं, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। तो फिलहाल अपन रुक के थोड़ा फ़ोटो वोटो खिंचवा लिए, अब फिर से जा रहे हैं अपने स्टे की तरफ, जिसके लिए आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। कल के ख़राब दिन के बाद और आज के ज़बरदस्त ब्रेकफास्ट के बाद फिलहाल मूड ज़बरदस्त है, तो चलो चले। तो फाइनली हम लोग आ पहुँचे हैं मातृ मंदिर ऑरविल। तो बीच में रास्ता हमने थोड़ा घुमा दिया था, तो जंगल के बीच में गाड़ी लेके फंस गए थे, बट आ चुके हैं। तो ये है पार्किंग लॉट, यहाँ पे आके आपको पर्ची ले लेनी है पार्किंग की, एंड फिर आप अंदर जा सकते हो टूवर्ड्स मातृ मंदिर। तो फिफ्टी ईयर्स ऑफ ऑरविल, तो फिलहाल हम यही देखने अंदर जाएंगे। द जर्नी बिगिंस विद श्री ओरविंदो एंड हिज मदर्स वर्क ऑन इंटीग्रल योगा एट द श्री ओरविंदो आश्रम। चलिए अंदर जाता, तो यहाँ पे पूरे रास्ते पे ऑरविल का हिस्ट्री रखा गया है, आप धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते जा सकते हो, और काफ़ी लोग हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे एक पूरे ऑरविल के जर्नी को डिस्क्राइब किया हुआ है, जब आप चलते जाओगे तो आप उनको धीरे धीरे पढ़ते हुए जा सकते हो। एंड यहाँ पे एक बोर्ड देखा जिसमें लिखा हुआ है कि द मेन पर्पस ऑफ ऑरविल इज़ ह्यूमन यूनिटी। तो ये फालतू के लड़ाई झगड़े जो हम करते रहते हैं, तेल पैसा घर ज़मीन ईगो सब के चक्कर पर, दीज आर मीनिंगलेस। तो यहाँ पर जब आओगे आपको अलग ही शांति मिलेगी, काफ़ी मज़ेदार है। तो यहाँ घुस के इंफॉर्मेशन डेस्क है, अगर आप चाहो तो अंदर जाके जो पूछना है पूछ सकते हो। यहाँ पे ऑरविल एग्जीबिशन सेंटर है, आप पॉज कर करके पढ़ सकते हो। हमें फिर अंदर जाना है, वो जो टेंट लगा हुआ है वहाँ से हमें कलेक्ट करना है पास। तो मैं भी फिलहाल, तो आपको यहाँ पे आना है और यहाँ से आपको फ्री पास मिल जाएगा, 2 पास। तो पास मैंने ले ली है, ये फ्री है, आपको कोई भी चार्जेस देने नहीं है, बस आपको ये पीछे जो टेंट लगा हुआ है वहाँ पे जाके बोलना है, जो कि इंफॉर्मेशन डेस्क जो काउंटर होगा उसी के पास ही है। तो अभी तक इतने अंदर आने के बाद ही मैं इतना फैसिनेटेड हूँ, सो आई एम वेरी एक्साइटेड कि अंदर इनके बारे में और क्या क्या पता चलेगा। तो स्टे ट्यून्ड विथ अस, तो मैं आपको डिटेल में बताऊँगा माई एक्सपीरियंस इन ऑरविल। अभी तक ऑरविल का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपके लिए? इज वन ऑफ द एक्सपीरियंस। क्या अलग लगा आपको यहाँ पे? वी हैड सिमिलर काइंड ऑफ एक्सपीरियंस इन मेनी प्लेसेस, बट आई थिंक दिस इज समथिंग व्हिच वी आर हैविंग आफ्टर वेरी वेरी लॉन्ग। हिंदी में बोल लो, हम अपनी जनता ज्यादातर हिंदी पसंद करती है। माय हिंदी इज वेरी बैड, यू नो दैट ना, बिकॉज मैं बीच बीच में बंगाली वर्ड डाल देती हूँ। खैर चलो, इमेजिन इफ वी गेट दिस मजा थ्रू आउट आवर लाइफ। सच में जो इनका अभी तक इतना कुछ लिखा हुआ है उससे मुझे एक ही चीज समझ में आया, जो ये समझाना चाह रहे हैं कि जिंदगी जीने का अगर मन हो तो आपको पैसे की जरूरत नहीं है, आपको बस विल पावर की जरूरत है। आपके आस पड़ोस में इतने खूबसूरत चीज है, इतने रिसोर्सेस है, उसी से अगर आप गुजारा कर लोगे ना, यू कैन लीड अ वेरी हैप्पी लाइफ। हम क्या करते हैं जब छोटे होते हैं, पागलों जैसे हमारे पेरेंट्स भगाते रहते हैं कि पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, पढ़ गए, पढ़ लिख के नौकरी ढूंढ लिया, जैसे नौकरी ढूंढ लोगे तो विशेष साइकिल में फंस जाते हैं, कमाते जाओ ईएमआई देते जाओ, कमाते जाओ ईएमआई देते जाओ। तो इसी से यहाँ इस जगह पे आने से आपको पता चलता है कि क्या ही बेकार लाइफ हम जी रहे हैं।
कंस्ट्रक्शन डेस्क से मातृ मंदिर मोटा मोटा 1.5 किलोमीटर का वॉक है, तो अपन चले ही जा रहे हैं। बट मज़ा आया, बहुत ही मज़ा आया, तो चलिए पहुंच जाते हैं, फिर आपको फिर दिखाते हैं। तो मातृ मंदिर पहुंचने से पहले यहाँ पे एक छोटा सा फ्ली मार्केट जैसा है, जो अंदर रहने वाले लोग खुद से बनाते हैं एंड उसी को यहाँ पे बेचते भी हैं। काफ़ी सुंदर लगा मुझे। तो काफ़ी पैदल चलने के बाद हम फाइनली यहाँ पहुँचे हैं, बट लोग यहाँ पे बस से भी आ रहे हैं। ये काफ़ी यूनिक एंड मज़ेदार है। मैंने आज तक, क्योंकि मैं असम से हूँ, मैंने काफ़ी ज़्यादा बनियान ट्री देख चुका है। हमारे बंगाली में इसको बॉट गाच कहते हैं। तो ये पेड़ जो होगा, आप देखो, काफ़ी साल, मतलब इट्स शुड बी क्लोज टू अराउंड 300 ईयर्स ओल्ड ट्री, आई डोंट नो द नंबर, बट ट्रंक जो ऊपर से आता है वही ज़मीन पे आके वही पे वो और एक पेड़ का शेप ले चुका है, जो मेन पेड़ है, दिस इज़ दैट। एंड इसके चारों तरफ से ब्रांचेस ऊपर से नीचे आते आते फिर ज़मीन पे अपना रूट जमा चुके हैं। ऑलमोस्ट एक अरसे के पैदल चलने के बाद हम आ पहुँचे हैं ऑरोविल व्यू पॉइंट, जो मातृ, हाँ वही ऑरोविल मातृ मंदिर व्यू पॉइंट। तो फिलहाल चलो चलें और आपको भी दिखाएं। ये रहा आपके लिए मातृ मंदिर फ्रॉम ऑरोविल। काफ़ी लंबा पैदल चलने के बाद तो यहाँ पे और कुछ कंस्ट्रक्शंस भी चल रहा है, और यहाँ से आप फोटो लेने के लिए ऐसे इसको देख सकते हो। तो ये धूप और इतना पैदल चल के आना काफ़ी वर्थ इट था, क्योंकि यहाँ पे पहुँचा तो काफ़ी मस्त हवा चल रहा है और मेरे पीछे मातृ मंदिर भी है। तो पता नहीं, अभी पता करना पड़ेगा कि यहाँ इसके अंदर जाने के लिए हमें क्या करना होगा। मुझे लगा था कि हम मातृ मंदिर, मतलब ये बस तो फोटो खींचने के लिए ही है, बट आई वॉन्टेड टू अंडरस्टैंड कि उसके अंदर क्या था। तो उसके लिए जाके पूछता हूँ कैसे जाना होता है। वैसे आज हम रुकेंगे तो यहीं पे, तो आपको बाकी का इन्फॉर्मेशन भी ज़रूर मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप सबको मेरा ये ब्लॉग काफ़ी अच्छा लगा होगा, और आपको इस ब्लॉग से क्या समझ आया और कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट्स पे। और अगर आप भी ऑरोविल जा चुके हो तो मातृ मंदिर के अंदर कैसे जाना है ये बता देना, क्योंकि इस बार तो मैं नहीं जा पाया। एंड भाई लोग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थोड़ा कर देना, उससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।